कुरुक्षेत्र CIA2 की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर हासिल किया 4 दिन का पुलिस रिमांड। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुरुक्षेत्र की अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में बलविंदर सिंह गिल पुत्र बलदेव सिंह वासी प्रेमनगर कोटकपुरा थाना शहर कोटकपुरा जिला फरीदकोट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी जिला पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने सोमवार शाम को मीडिया को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सतबीर पुत्र बलबीर सिंह वासी मोरखी जिला जींद व सुनील पुत्र प्रेम सिंह वासी कुराना जिला पानीपत ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 5 जून 2022 को उसके भाई शीशपाल को आरोपी बलविंदर सिंह ने अमेरिका भेजा था। बलविंदर सिंह ने उसे कहा कि यदि और भी कोई तुम्हारा रिश्तेदार या फिर भाई विदेश जाना चाहता है तो हम उसको विदेश में भेज देंगे। उसने बलविंदर सिंह की बातों पर विश्वास कर लिया और कहा कि वह उसके भांजे नितिन कुमार वासी गंगटहेड़ी सावन पुत्र जिले सिंह वासी मोरखी जिला जींद सचिन वासी राजौंद जिला कैथल व सुरेंद्र वासी कैमला जिला करनाल को अमेरिका भेजना है। जिस पर बलविंदर सिंह ने कहा कि एक लड़के के 40 लाख रुपए लगेंगे। 20 जुलाई 2022 को आरोपी गण पीपली रेस्ट हाउस में गए और 2 लाख रुपए नगद ले लिए। बलविंदर सिंह ने 25 जुलाई 2022 को फोन करके कहा कि वह अपने बेटे विश्व गिल को भेज रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दो ताकि दोनों लड़कों की फाइलें एम्बेसी में लगा दें। 28 जुलाई 2022 को विश्व गिल को 9 लाख रुपए नगद दिए। 27 सितंबर 2022 को बलविंदर सिंह व गुरमुख ने सावन को दिनांक 27 सितंबर 2022 को थाईलैंड भेज दिया और उनके कहने पर थाईलैंड से अमेरिका की सीधी टिकट करवाने के लिए $5,000 दे दिए। दिनांक 29 सितंबर 2022 को रेस्ट हाउस में आकर बलविंदर सिंह ने 10 लाख रुपए नगद लिए। दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को सावन की थाईलैंड से अमेरिका की सीधी टिकट करवाने के लिए 5 लाख रुपए नगद पठानकोट बुलाकर ले लिए। कुछ दिन बाद सावन को यह कहकर वापस भारत बुला लिया कि इन चारों लड़कों को एकदम फ्लाइट करवा कर अमेरिका भेज देंगे। दिनांक 22 जनवरी 2023 को सावन को वियतनाम भेज दिया और उसके बाद दिनांक 10 फरवरी 2023 को नितिन व सुरेंद्र को भी वियतनाम की फ्लाइट करवा कर वियतनाम भेज दिया, जिनके कहने पर नितिन व सुरेंद्र को 3,000 US डॉलर देकर भेजा। बलविंदर सिंह के कहने पर तीनों लड़कों की वियतनाम से अमेरिका की सीधी टिकट करवाने के लिए 10 लाख रुपए नगद मनोज कुमार ने दिल्ली ऑफिस में बुला कर लिए। कुछ दिन बाद तीनों लड़कों को वापस भारत बुला लिया और कुछ दिन गुड़गांव होटल में रखा। उन्होंने सावन को घर भेज दिया और कहा कि नितिन सुरेंद्र व सचिन को दुबई के रास्ते से अमेरिका भेज दूंगा। बलविंदर सिंह ने 7,50,000 रुपए नगद ले लिए और तीनों लड़कों को दिनांक 16 अप्रैल 2023 को दुबई भेज दिया। यहां से उनके खर्चे के लिए पैसे भेजते हैं। दोषी बलविंदर सिंह व इसके अन्य साथियों ने कुल राशि 1,17,25,000 रुपए की ठगी करी है, जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच PSI मलकीत सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र को सौंपी गई। बाद में मामले की जांच को अपराध अन्वेषण शाखा 2 कुरुक्षेत्र के द्वारा की गई। दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को अपराध अन्वेषण शाखा 2 कुरुक्षेत्र प्रभारी निरीक्षक प्रतीक के मार्गनिर्देश में सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी बलविंदर सिंह गिल पुत्र बलदेव सिंह वासी प्रेम नगर कोटकपुरा थाना शहर कोटकपुरा जिला फरीदकोट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया व अदालत से आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कुरुक्षेत्र CIA2 की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर हासिल किया 4 दिन का पुलिस रिमांड। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि कुरुक्षेत्र की अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में बलविंदर सिंह गिल पुत्र बलदेव सिंह वासी प्रेमनगर कोटकपुरा थाना शहर कोटकपुरा जिला फरीदकोट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी जिला पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने सोमवार शाम को मीडिया को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सतबीर पुत्र बलबीर सिंह वासी मोरखी जिला जींद व सुनील पुत्र प्रेम सिंह वासी कुराना जिला पानीपत ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 5 जून 2022 को उसके भाई शीशपाल को आरोपी बलविंदर सिंह ने अमेरिका भेजा था। बलविंदर सिंह ने उसे कहा कि यदि और भी कोई तुम्हारा रिश्तेदार या फिर भाई विदेश जाना चाहता है तो हम उसको विदेश में भेज देंगे। उसने बलविंदर सिंह की बातों पर विश्वास कर लिया और कहा कि वह उसके भांजे नितिन कुमार वासी गंगटहेड़ी सावन पुत्र जिले सिंह वासी मोरखी जिला जींद सचिन वासी राजौंद जिला कैथल व सुरेंद्र वासी कैमला जिला करनाल को अमेरिका भेजना है, जिस पर बलविंदर सिंह ने कहा कि एक लड़के के 40 लाख रुपए लगेंगे। 20 जुलाई 2022 को आरोपी गण पीपली रेस्ट हाउस में गए और 2 लाख रुपए नकद ले लिए। बलविंदर सिंह ने 25 जुलाई 2022 को फोन करके कहा कि वह अपने बेटे विश्व गिल को भेज रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दो ताकि दोनों लड़कों की फाइलें एम्बेसी में लगा दें। 28 जुलाई 2022 को विश्व गिल को 9 लाख रुपए नकद दिए। 27 सितंबर 2022 को बलविंदर सिंह व गुरमुख ने सावन को दिनांक 27 सितंबर 2022 को थाईलैंड भेज दिया और उनके कहने पर थाईलैंड से अमेरिका की सीधी टिकट करवाने के लिए 5000 यूएस डॉलर दे दिए। दिनांक 29 सितंबर 2022 को रेस्ट हाउस में आकर बलविंदर सिंह ने 10 लाख रुपए नकद लिए। दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को सावन की थाईलैंड से अमेरिका की सीधी टिकट करवाने के लिए 5 लाख रुपए नकद पठानकोट बुलाकर ले लिए। कुछ दिन बाद सावन को यह कहकर वापस भारत बुला लिया कि इन चारों लड़कों को एकदम फ्लाइट करवा कर अमेरिका भेज देंगे। दिनांक 22 जनवरी 2023 को सावन को वियतनाम भेज दिया और उसके बाद दिनांक 10 फरवरी 2023 को नितिन व सुरेंद्र को भी वियतनाम की फ्लाइट करवा कर वियतनाम भेज दिया, जिनके कहने पर नितिन व सुरेंद्र को 3000 यूएस डॉलर देकर भेजा। बलविंदर सिंह के कहने पर तीनों लड़कों की वियतनाम से अमेरिका की सीधी टिकट करवाने के लिए 10 लाख रुपए नकद मनोज कुमार ने दिल्ली ऑफिस में बुला कर लिए। कुछ दिन बाद तीनों लड़कों को वापस भारत बुला लिया और कुछ दिन गुड़गांव होटल में रखा। उन्होंने सावन को घर भेज दिया और कहा कि नितिन सुरेंद्र व सचिन को दुबई के रास्ते से अमेरिका भेज दूंगा। बलविंदर सिंह ने 7,50,000 रुपए नकद ले लिए और तीनों लड़कों को दिनांक 16 अप्रैल 2023 को दुबई भेज दिया। यहां से उनके खर्चे के लिए पैसे भेजते हैं। दोषी बलविंदर सिंह व इसके अन्य साथियों ने कुल राशि 1,17,25,000 रुपए की ठगी करी है, जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच PSI मलकीत सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र को सौंपी गई। बाद में मामले की जांच को अपराध अन्वेषण शाखा 2 कुरुक्षेत्र के द्वारा की गई। दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को अपराध अन्वेषण शाखा 2 कुरुक्षेत्र प्रभारी निरीक्षक प्रतीक के मार्गनिर्देश में सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी बलविंदर सिंह गिल पुत्र बलदेव सिंह वासी प्रेम नगर कोटकपुरा थाना शहर कोटकपुरा जिला फरीदकोट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया व अदालत से आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।